हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। माई सेल्फ विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डी फार्मा डिपार्टमेंट। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल एड, जो कि फार्माकोग्नोसी विषय के अंतर्गत आता है, फार्माकोग्नोसी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम आज लेकर आए हैं, फार्मास्यूटिकल एड, जिसमें हम हनी, RHS ऑयल, स्टार्च एंड पेक्टिन, काओलिन, ऑलिव ऑयल, लेनोलिन, वीसबैक्स, अकासिया, ट्रेगाकांत, सोडियम एल्जिनेट, अगार, ग्वारगम एवं जिलेटिन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभी फार्मास्यूटिकल एड्स हैं, जो कि औषधियों के निर्माण के समय जो डोजेस फॉर्म बनाया जाता है उसमें ऐड किया जाता है। चलिए बात करते हैं, जो प्रथम फार्मास्यूटिकल एड है, फर्स्ट फार्मास्यूटिकल एड है, वो है हनी। हनी को हम दूसरी भाषा में मेल, शहद, मधु, मोद, प्यूरिफाइड हनी भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ हनी। हनी एक सैक्रीन लिक्विड होता है जो एपिस मेलिफिका अथवा एपिस इंडिका नामक मधुमक्खी के द्वारा छत्ते में एकत्रित किया जाता है। इसकी फैमिली होती है एपिडी। हैबिटेट और जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ हनी। शहद मुख्यतः जमैका, कैलिफोर्निया तथा चिली से प्राप्त होता है। इसे भारतवर्ष, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से भी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टोरेज ऑफ हनी। हम शहद का एकीकरण या स्टोरेज कैसे करते हैं। पुष्पों के मकरकंद में सुक्रोज का जलीय घोल पाया जाता है। मधुमक्खियां अपने लंबे ट्रंक के कारण प्रोबोसिस के द्वारा इसे चूस लेती हैं। इनके लार में इन्वर्टेज एंजाइम पाया जाता है, जो पुष्पों से प्राप्त नेक्टर को इन्वर्ट शुगर में बदल देता है। मधुमक्खी इसे अपने छत्ते से एक कोठरी में इकट्ठा कर लेती है। 3 दिनों पश्चात यह इन्वर्ट शुगर शहद में परिवर्तित हो जाता है। जब ये कोशिकाएं शहद से भर जाती हैं तो मधुमक्खी इस कोशिका को मोम से ढक देती है। हनी प्राप्त करने के लिए इसी मोम को चाकू से खुरचना पड़ता है। हनी को इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी के छत्ते को सेंट्रीफ्यूग किया जाता है। कभी कभी हनी को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी के छत्ते को दबाया भी जाता है, किंतु इस विधि से प्राप्त हनी में वैक्स द्वारा मिलावट हो जाती है, हल्का सा उसमें वैक्स मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ हनी। हनी एक गाढ़ा ट्रांसलूसेंट पीले अथवा पीले भूरे रंग का द्रव होता है। अधिक दिनों तक भंडारण किए जाने पर पात्र के पेंदे पर या पात्र के पेंदे पर डेक्सट्रोज के रवे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसका गंध रुचिकर फलों के समान तथा स्वाद मीठा होता है। इसका गंध तथा स्वाद उन पुष्पों पर निर्भर करता है जिनसे फूलों का मधु यानी नेक्टर को इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ हनी। हनी में जो रासायनिक अवयव पाए जाते हैं, मुख्य रूप से डेक्सट्रोज तथा लेबुलोज का मिश्रण होता है, जो कि 70-80% पाया जाता है। इसमें वाटर 15-20% पाया जाता है। सुक्रोज तथा डेक्सट्रिन पाया जाता है। वोलाटाइल ऑयल पाया जाता है। मोम भी पाया जाता है। परागकण यानी पोलन ग्रेन्स भी पाए जाते हैं। एंजाइम्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उपयोग। शहद का उपयोग एज अ न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम करते हैं। कुछ तीखे स्वाद वाले फार्मास्यूटिकल्स निरूपणों के निर्माण में यूज़ करते हैं। पाचन नली के डिमल्सेंट के रूप में यूज़ करते हैं। ऐसा लेग्जेटिव यूज़ करते हैं यानी कब्ज रोधक। खांसी की दवाओं यानी लिंगटस तथा कफ मिक्सचर के निर्माण में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडल्ट्रेंट्स यानी मिलावट। हनी में साधारणतः आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज तथा ग्लूकोज को एडल्ट्रेंट के रूप में मिलाया जाता है।
इस मिलावट को फिशचे टेस्ट द्वारा पहचाना जा सकता है। इसमें हनी का ईथर में घोल बनाकर इसे चाइना डिश में रख लेते हैं। अब उसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बनाए गए रिजोरिनोल के घोल की कुछ बूंदें मिलाकर गर्म करते हैं। एडल्ट्रेंट के रूप में मिलाए गए आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर में उपस्थित फर्फ्यूराल रासायनिक क्रिया के पश्चात चेरी के समान लाल रंग देता है। इस प्रकार हनी में उपस्थित जो मिलावट होती है इसका परीक्षण किया जाता है। 2 ml हनी के जलीय घोल में फेलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड मिलाकर प्राप्त घोल को 5 से 10 मिनट के लिए वाटर बाथ पर गर्म करते हैं। हनी में रिड्यूसिंग शुगर की उपस्थिति होने पर ईंट के समान लाल रंग प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये था हनी जिसके बारे में हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट जो फार्मास्यूटिकल एड है वो है एराचिस ऑयल। एराचिस ऑयल का जो सिनोनिम्स होता है अर्थ नट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल, मंकी नट ऑयल, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एराचिस ऑयल। एराचिस ऑयल एक स्थिर तेल होता है जो एराचिस हाइपोगोइया लेनिन नामक पौधे के बीजों के एक्सप्रेशन से प्राप्त होता है। फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। इसका जो हैबिट है या जियोग्राफिकल सोर्स होता है, यह एक वर्षीय पौधा है जो मूलतः दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह भारतवर्ष, नाइजीरिया, चाइना, जावा तथा ब्राज़ील में उगाया जाता है। इसका मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होता है प्रत्येक पॉड में 2 से 3 बीज होते हैं जिसमें 40 से 50% फिक्स्ड ऑयल होता है। कलर पीला अथवा हरा होता है, हरा पीला भी होता है। गंध इसकी विशेष गंध होती है। स्वाद नरम या ब्लेंड होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.916 से 0.920 होती है। आयोडीन वैल्यू 95 to 99 होती है। सपोनिफिकेशन वैल्यू 188 to 196 होती है। एसिड वैल्यू 4 से लेस होती है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4625 to 1.4645 होता है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एराचिस ऑयल। इसमें मेनली हायर फैटी एसिड के ग्लिसराइड्स होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख फैटी एसिड्स हैं एराचिक, एस्टियरिक, लिग्नोसेरिक, ओलेक, हाइपोजेसिक या हाइपोजिक, लिनोलिक, पाल्मिटिक। एराचिस ऑयल में पाए जाने वाले प्रमुख ग्लिसराइड होते हैं ट्रायोलेन, डायलियोलिन, सैचुरेटेड डायलिन, सैचुरेटेड ओलियोलिन, थायमिन। इस तेल का पीला रंग इसमें उपस्थित बीटा कैरोटीन तथा ल्यूटेन नामक कैरोटीनॉइड पिगमेंट के कारण होता है। लास्ट इज यूजेस ऑफ एराचिस ऑयल। मूंगफली के तेल में थायमिन होने के कारण यह अत्यंत पोषक औषधि है तथा खाद्य तेलों एवं पीनट बटर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के निर्माण में चिकनाई के रूप में इसे यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हेतु विभिन्न मेडिकमेंट के लिए व्हीकल के रूप में यूज किया जाता है। विभिन्न लिनिमेंट्स तथा प्लास्टर के निर्माण में यूज किया जाता है। अनेकों साबुन तथा मलहम के निर्माण में इसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था एराचिस ऑयल। तो आज के वीडियो में हमने एराचिस ऑयल हनी के बारे में अध्ययन किया है जिसमें हमने इनके बायोलॉजिकल सोर्स, स्टोरेज ऑफ हनी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट इत्यादि के बारे में अध्ययन किया है। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।